वसई पूर्व के वालू पुलिस स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपले सरकार के वेबसाइट का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वसई के वालू पुलिस थाने में एक व्यापारी को आपले सरकार का लाइसेंस देने के नाम पर 1,32,00,000 की ठगी के मामले का खुलासा किया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फर्जी नाम लिया गया था। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। व्यापारी जिग्नेश गोपनी और आरोपी दोनों कई सालों से दोस्त हैं। आरोपी ने इनको बड़ा लालच दिया। जिग्नेश आरोपी को 1 साल से पैसे दे रहा है। आपले सरकार ई पोर्टल के तहत लाइसेंस सहित एक आईटी कंपनी का लाइसेंस बनाने के लिए सरकार के और भी कई कामों के नाम पर पैसे भरने के लिए 1,32,00,000 रुपए दिए हैं। मजे की बात यह है कि आरोपी इतना होशियार है कि उसने पैसे अपने बैंक के खाते में ना लेकर ऑनलाइन पारी मैच नामक ऐप पर मंगवाया और 1,32,00,000 जो पैसे लिए वह सारे पैसे जुए में हार गया। जब जिग्रेश को इतने दिनों से कुछ नजर नहीं आया तो उसने वसई के वाली पुलिस स्टेशन में आकर मामला दर्ज कराया। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन को एक जिग्नेश गोपानी नामक व्यक्ति ने कम्प्लेंट फाइल की है। उसने कंप्लेंट में कहा गया है कि महा ई सेवा केंद्र का लाइसेंस देता हूँ ये नाम पे 1,31,00,000 की उसकी जो चीटिंग हुई है वो शुभम वर्मा और दूसरा एक आरोपी जतिन पवार इन लोगों ने की है। उसके बारे में तहकीकात चालू है। इसमें टोटल 1,31,00,000 को उसका चीटिंग हुआ है, उसमें 2 आरोपी शामिल है। आरोपी 4 साल से फिरियादी के पहचान वाला है, वो पड़ोस में रहता था। उसने बोला कि आप तो महा ई सेवा केंद्र का मैं पोर्टल देता हूँ या सेंटर खुलवा के देता हूँ जो जहाँ पे घर बैठ के आप पैसा कमा सकते हो। तो उस लालसे में फिरियादी ने इतना पैसा उसको ट्रांसफर करना चालू कर दिया। फिरियादी ने जो पैसा दिया है वो सब आरोपी जो शुभम वर्मा है उसने परी मैच बोल के एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उसके ऊपर वो पैसा लिया है। तो उसी पे वो ऑनलाइन गेम खेलता था आरोपी और वो गेम में वो हारता चला गया और पूरा 1,31,00,000 रुपए उसने ऑनलाइन गेमिंग पे ही उसने खर्च कर दिए है। पूरा जो पैसा है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया गया है UPI के द्वारा, लेकिन उसने वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे वो डिपॉजिट करके वहाँ पे गेम खेलना चालू किया और उसमें उसने पैसा खर्च किया। लोगों को यही आह्वान है कि जब भी गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन आएगा, मेल द्वारा आएगा, तो ऑफिशियल मेल आईडी जो .gov रहेगा .gov.in वो रहेगा तो ऑफिशियल मेल कम्युनिकेशन है, उसी पे आप भरोसा रख सकते हो। और जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उससे दूर रहना चाहिए। और जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस के कम्युनिकेशन के बारे में आपको शक आता है तो कभी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप उसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं।